नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों हाजिर हूँ एक और नई भर्ती की जानकारी के साथ जो निकल रही है दिल्ली सरकार में। विज्ञापन में देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली, दिल्ली सरकार की वैकेंसी है। और वैकेंसी किसके लिए निकल रही है कि आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक, यानी कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार ने एक कानून बनाया था और एक नियम बना करके आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना की थी। और उन्हीं मोहल्ला क्लिनिक के लिए तीन तरह की पोस्ट का विज्ञापन जारी हुआ है, फार्मासिस्ट का, मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट का और मल्टीटास्किंग वर्किंग वर्कर यानी कि MTS का। अब इनमें आपको आवेदन कैसे करना है, एज क्या रहेगी, कितना वेतनमान मिलेगा, कौन आवेदन कर सकता है, सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना है शुरू से लेकर अंत तक, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है। दोस्तों मैं हिंदी में आपको जानकारी दिखा देता हूँ, उन्होंने दो तरह की PDF फाइल डाली हुई है तो हिंदी में मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट डेट इस फॉरम की रहेगी 21 अक्टूबर, ठीक है, 21 अक्टूबर से पहले पहले आपको इसमें आवेदन करना है। और सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू आयोजित किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये आपका हिंदी में पूरी की पूरी जानकारी। फार्मासिस्ट के लिए 200 पद निकल रहे हैं और 200 पदों के लिए योग्यता क्या रहेगी फार्मेसी के लिए, अगर आपने डी फार्मेसी कर रखी है बी तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में। दूसरा यहाँ पर जो मोहल्ला क्लिनिक सहायक है उसके लिए 200 पद हैं, यानी कि इसको ANM की ये वैकेंसी है। सीधे सीधे शब्दों में आपको बताऊं यहाँ पर योग्यता क्या रहेगी, सहायक नर्सिंग मिडवाइफर यानी कि ANM आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, साथ ही दिल्ली नर्सिंग काउंसिल में आपका पंजीकरण होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तीसरी वैकेंसी है मल्टी टास्किंग वर्कर की, तो इसमें 10वीं पास, इसके अलावा फर्स्ट एड का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, फर्स्ट एड का प्रमाण पत्र होना चाहिए सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड से, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे पद हो गए 600 प्लस पद इसमें हो जाते हैं। अब यहाँ पे वेतन क्या मिलेगा, तो फार्मासिस्ट के लिए 12 रुपये प्रति रोगी के हिसाब से, ठीक है, और 75 रोगी आपको प्रतिदिन की एवरेज पड़ जाएगी, यानी कि 900 रुपये फार्मासिस्ट को पर डे के मिलेंगे। इस तरीके से महीने का एवरेज 27,000 रुपये आ जाता है आसानी से। दूसरा अब यहाँ पे जो ANM है यानी कि मोहल्ला क्लिनिक सहायक है उसके लिए 10 रुपये प्रति OPD मिलेगी, 30 रुपये की जांच मिलेगी, 10 रुपये रक्त ब्लड ग्रुप लेने के मिलेंगे और 10 रुपये टीकाकरण करवाने के। तो 75 मरीज ही इनको एवरेज एक डे की पड़ेगी, तो 75 को हम 10 से गुणा करते हैं जैसे OPD के लिए 750 रुपये आपका ये पेमेंट हो जाता है। इसके अलावा आपका टीकाकरण का अलग मिलेगा, आपको ANC चेकअप का अलग मिलेगा और ब्लड ग्रुप का और अलग से मिलेगा। इस तरीके से आपको ये वेतन मल्टीटास्किंग वर्कर के लिए 8 रुपये प्रति रोगी के हिसाब से, तो 75 का एवरेज इसमें आप लगा सकते हैं गुणा 8 और 10 रुपये अगर आपने किसी भी मरीज की ड्रेसिंग की है यानी कि अपनी गांव की भाषा में कहते हैं पट्टी की है तो 10 रुपये वो हिसाब से मिलेंगे। इस तरीके से पूरी की पूरी लास्ट के महीने के अंत में एवरेज निकाल के आपकी पेमेंट, तो मैं 27-28 हज़ार से कम किसी को अब यहाँ पे पेमेंट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे एज देख लेते हैं, फार्मासिस्ट के लिए 20 से लेके 50 वर्ष, ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक यानी कि ANM के लिए 20 से 50 और मल्टी टास्किंग वर्कर के लिए 18 से लेके 35 वर्ष तक। एज आपकी 14-10-2018 को इस प्रोसीजर में होनी चाहिए। अब चयन का तरीका क्या रहेगा, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 21 अक्टूबर, 21 अक्टूबर से पहले पहले आपको आवेदन करना है। और चुने हुए मोहल्ला क्लिनिक को किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में नियुक्त किया जा सकता है, चुने हुए उम्मीदवारों को, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी आप इस वेबसाइट से ले सकते हैं। और दोस्तों इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी है, मैंने भर के देखा इसमें फॉर्म, तो इसमें रजिस्ट्रेशन में शुरुआत में आपसे स्टेट की जानकारी मांगेगा, आर यू सिटीजन ऑफ दिल्ली, तो वहाँ पे यस और नो का ऑप्शन है तो आप नो कर सकते हैं, तो उसमें आपका फॉर्म आसानी से भरा जाएगा। तो ऑल इंडिया की ये वैकेंसी है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं ये आपको पूरी की पूरी PDF फाइल दे दूँगा और आसानी से फॉर्म आप इसमें लगा सकते हैं। बड़ा मौका यहाँ पर, 600 पद और दिल्ली सरकार के साथ काम करने का बहुत बड़ा अवसर। और यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए गए हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, 4 स्टेप में ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा यानी कि फॉर्म आपका आसानी से भरा जाएगा। तो ये आपको फॉर्म ज़रूर लगाना है
और इस फॉर्म के बारे में कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके बिल्कुल कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।